हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जेएस के पेज में। भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉग को मिल्क पीने से क्या प्रॉब्लम हुई। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपने डॉग को मिल्क दिया और क्या आपके डॉग को मिल्क पीने के बाद प्रॉब्लम हुई? अगर हुई तो क्यों हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पता करें कि आपके डॉग को मिल्क पीने के बाद प्रॉब्लम क्यों हुई। बहुत डॉग को मिल्क डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत डॉग ऐसे भी होते हैं जिसे मिल्क डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कॉब एफेलो का मिल्क डॉग को नहीं दें, क्योंकि डॉग मिल्क और डेयरी मिल्क में बहुत डिफरेंस होता है। डॉग मिल्क में लैक्टोज का मात्रा बहुत कम होता है, वहीं डेयरी मिल्क में लैक्टोज का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप डॉग को काओ बफेलो का मिल्क नहीं दें। अब मैं आपको ये बता दूं कि मिल्क में लैक्टोज होते हैं और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में डॉग को बहुत प्रॉब्लम होती है। लैक्टोज एक शुगर का फॉर्म होता है जिसे डाइजेस्ट करने के लिए डॉग्स के बॉडी में लैक्टेज नाम का एंजाइम होना चाहिए, तभी मिल्क प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। अदरवाइज मिल्क प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन मोस्ट डॉग में लैक्टेज एंजाइम बहुत कम ही मात्रा में होते हैं, उसी वजह से उन्हें मिल्क डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। बात कर लें डॉग्स की मिल्क में, तो उसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत ही कम होती है और वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। वहीं बफेलो या काओ की बात करें, मिल्क की बात करें, तो उसमें लैक्टोज नाम का जो शुगर होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण डॉग्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब पॉइंट ये है कि कैसे पता करें कि आपके डॉग को मिल्क डाइजेस्ट हुई या नहीं। फ्रेंड्स, आपको हम ये बता दें कि आपको इनके बिहेवियर पर ध्यान देना होगा कि आपके डॉग को मिल्क डाइजेस्ट हुई कि नहीं। आपको एक दिन या 12 घंटे के बाद चेक करना होगा कि कहीं इन्हें एक्सेसिव गैस तो नहीं हो गई या डायरिया की शिकायत तो नहीं होगी या तो वॉमिटिंग तो नहीं कर रहे हैं आपके डॉग। आपको यह भी चेक करना होगा कहीं इनको स्किन रैशेस तो नहीं होगी। स्किन रैशेस प्रोबेबली इनको स्टोमेक के नीचे ही ज्यादा होती हैं। और मिल्क पीने के बाद ये कभी कभी क्या होते हैं, वीकनेस और लेजी हो जाते हैं और ये इनके पेट में रंबलिंग साउंड भी आने लगते हैं। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा कि कहीं ये सब शिकायत तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको मिल्क देना तुरंत बंद कर देना होगा। और मैं आपको एक एडवाइस जरूर दे दूं कि आप इनको काओ बफेलो का मिल्क तुरंत बंद कर दें। अगर हो सके तो ये आप गॉट का मिल्क दे सकते हैं, बकरी का मिल्क दे सकते हैं, जो इनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। गॉट के मिल्क में लैक्टोज की मात्रा बहुत कम होती है और विटामिन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपेयर टू काओ बफेलो के मिल्क से गॉट का मिल्क बहुत अच्छा होता है। तो आप गॉट का मिल्क उन्हें ट्राई कर सकते हैं और उसमें लैक्टोज की मात्रा कम होने से वो आसानी से पचा भी सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डॉग को मिल्क ना ही दें तो अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।